ये एक बैड साइन है, ओके? अगर कहीं से भी आपके कपड़े फटते हैं तो जीवन में ऐसा, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, ओके, मेरी लाइफ में, कि जब भी आपके कपड़े अचानक से फट जाते हैं तो इसका तो जाने दीजिए, ये तो नाजुक सा कपड़ा था, बट जब भी आपके कपड़े अचानक से फट जाते हैं ये बहुत ही गंभीर, मतलब कुछ इंसल्टिंग टाइप, ओके, आपके साथ होने वाला है, इस चीज़ का साइन है ये। और मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन था। ऑटो में मैं कहीं जा रही थी तो मेरे पूरा पैंट मेरा फट गया था, और मैं डॉक्टर के पास गई थी, आई थिंक, तो डॉक्टर ने वो जो टेप होती है, सफ़ेद वाली टेप होती है, वो चिपकाने के लिए ये दी मुझे, क्योंकि वो पैंट भी सफ़ेद ही था, पूरा पैंट ऊपर से नीचे तक फट गया था। और मुझे याद है एक बार मैं कॉलोनी में भी गई थी और औरतों के साथ बातें कर रही थी, और मेरा कॉटन का गाउन था, तो अचानक से एक बंदर कूद के आया, तो औरतें डर गई, तो एक औरत ने जो है मेरा गाउन को पकड़ लिया, वो गाउन भी फट गया तो इस तरह से, मतलब ये साइन होते हैं कि कुछ इंसल्टिंग, कुछ बदनामी, कुछ बुरी चीज़ अगर आने वाली हो आपके नसीब में, तो पहले ये कपड़े फटने वाले, या सपने में खुद को नंगा देखना, या आप कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जगह ही नहीं मिल रही है, तो ये जो साइन होते हैं ये बताते हैं कि आपकी इंसल्ट होने वाली है या की जाने वाली है। जैसे कि मुझे एक ड्रीम दिखा है, देखो मेरी अब एज हो गई है, ओके, मैं स्पेशली थर्ड पार्टी को बता रही हूँ, मेरी अब एज हो गई है और पूरी लाइफ मैंने घुट घुट के जी है, मैं अब खुल के जीना चाहती हूँ, मैं किसी के प्यार में नहीं हूँ, चक्कर में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और इस जर्नी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और अब ये मेरा प्रोफेशन है, मैं लोगों को रेकी सिखाती हूँ, योगा तो नहीं फ़िलहाल, बट सिखाऊंगी ज़रूर, धीरे धीरे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपको योगा भी सिखाऊंगी। मेरा ये प्रोफेशन है कि मैं ये सब चीज़ें सिखाती हूँ, रेकी हो, जैसे क्रिस्टल रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग, हॉरोस्कोप रीडिंग, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और न जाने, मतलब हॉरोस्कोप रीडिंग भी सिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिखाती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड, एंजल थेरेपी, सब कुछ सिखाती हूँ। कल मैंने नोटिस किया कि जगह जगह मुझे चार नंबर दिख रहा था, जो कि राहु का नंबर होता है, ओके, तो ये राहु का इसीलिए चतुर्दशी और जो प्रदोष व्रत है वो किया जाता है, क्यों किया जाता है बताती हूँ। चतुर्दशी जो है राहु की तिथि है, उस दिन संकट ना आए इसलिए हम चतुर्थी करते हैं, गणेश चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी, तो गणेश जी ने उस दिन को धारण किया है, और उस दिन का, अगर उस दिन हम गणेश जी की सेवा करते हैं तो गणेश जी हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद त्रयोदशी जो तिथि होती है, 13 नंबर आता है, अगर उसको प्लस कर दिया जाए, 1+3, तो वो भी 4 नंबर आता है, जो कि राहु को दिखाता है। और मुझे एक ड्रीम आया था जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बस अकेली शांत रहना चाहती है शिरडी में, बस, और डीएम उसको चेज कर रहा है और वो भाग रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन उसको बोलता है कि मैं हम डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन हमसे भाग रही है, तो इतने में होता क्या, डिवाइन फेमिनाइन भाग जाती है। बट मैंने देखा कि मैं खुद हो के कि मैं कपड़े बदलने की कोशिश कर रही हूँ, कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रही हूँ, समथिंग इंसल्टिंग लाइक फील हो रहा है, और एक कुआं दिख रहा है और कुएं के अंदर जो है लाल रंग का सांप दिख रहा है, जो कि राहु का प्रतीक होता है, मतलब राहु आपका गुप्त शत्रु है, पानी के अंदर सांप जो गुप्त शत्रु को दिखाता है, गहराई, कुआं, कुएं से गहरा और क्या हो सकता है, मतलब इतनी गहराई से शत्रु है आपका, ओके, और लाल रंग का है, मतलब इससे डेंजर और क्या खतरा हो सकता है, लाल रंग जो सांप दिखता है पानी में वो राहु का प्रतीक होता है, तो बी केयरफुल डिवाइन फेमिनेंस, क्योंकि अगर मुझे ये एनर्जी मिल रही है, 4 नंबर दिख रहा है, तो आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए।